नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्रेगनेंसी केयर विद दिशु में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं। यहां पर मिलते हैं आपको पोस्ट प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर एक वीडियो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ पहले महीने से क्या लक्षण होते हैं, जिनसे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके घर में क्या पल रहा है। पहले महीने से बहुत कम ऐसे लक्षण होते हैं जो आप नोटिस कर पाते हो, आप देख सकते हो कि ये लक्षण मेरे अंदर आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, जिससे कि मैं अंदाज़ा लगा पाऊँ। तो देखिए, हर एक लक्षण की एक अपनी टाइमिंग होती है, जैसे कि पहली ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ट्राइमेस्टर वाइज भी लक्षण देखे जा सकते हैं। जैसे कि आज मैं बात करने वाली हूँ पहले महीने से कौन सा लक्षण दिखाई देता है। पहले महीने से सबसे ज़्यादा जो लक्षण होता है वो हमारे खान पान से रिलेटेड देखा जाता है, बिकॉज खाने पीने से रिलेटेड जो भी आप जानकारी इकट्ठा करते हो वो बहुत ही सटीक होती है, क्योंकि इसमें कोई भी दोराहे नहीं होते हैं। जैसे कि पहले महीने से या प्रेगनेंसी जैसे ही आपकी स्टार्ट होती है, आप कंसीव करते हो, उसी टाइम से आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि हमारा जी मिचलाना स्टार्ट हो जाता है, हमें कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता है, या हमें एक प्रॉपर खाना अच्छा लगता है, जैसे कि तीखा या मीठा। दो ही चीज़ें होती हैं इसमें, और कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो इसमें अंदाज़ा लगाना काफ़ी आसान माना जाता है। तीखा खाना मतलब कि लड़के के संकेत होते हैं कि आपके घर में लड़का पल रहा है। तीखा खाना ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप तीखा खा रहे हो, मीठा भी खा सकते हो, बट कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में अगर आपको ज़्यादातर तीखा खाना पसंद है तो इट मीन्स कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं आपको अगर मीठा खाना पसंद है, सारी चीज़ें आपको मीठा अच्छा लगता है, हर एक तरीके की मिठाई अच्छी लगती है, या किसी भी तरीके का मीठा आपको खाना पसंद है, सारी चीज़ों में आप ऑप्शन अगर आपको दिए जाएंगे तो आप मीठा चूज़ करोगे, तो इट मीन्स कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। बहुत ही सिंपल और सीधा तरीका यही है कि आपको स्टार्टिंग प्रेगनेंसी से क्या खाने में पसंद है, सिर्फ आप उस चीज़ को नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए कि आप खाने में क्या क्या खाते हो, किस तरीके से खाते हो, मीठा ज़्यादा खाते हो या तीखा ज़्यादा खाते हो, तो दोनों में कंपैरिजन करके आप इस चीज़ का से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना और अपने बेबी का ध्यान रखिए।